हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं मम्मी के घर आई हुई हूँ और वहाँ से बस मॉर्निंग में आज निकलना है और बस एक ही रात रुकी मैं मम्मी के पास। काफ़ी बातें भी की चाची के यहाँ और आसपास में सबसे मिली भी, लेकिन मन उदास हो जाता है जब जाते हैं। और रात ही रात रुकी, कल शाम आई थी मैं, 6 बजे पहुँची थी और उसके बाद मॉर्निंग में अभी 6:15 बज रहे हैं। हम निकलेंगे अभी और निकलना ज़रूरी है। मम्मी भी बहुत उदास सी लग रही हैं, आंखें भर आती हैं जब मम्मी को छोड़ के आते हैं। और छोड़ के तो आते हैं, पहले भी छोड़ के आती थी, अब ज़्यादा दुख होता है। पापा थे तो पता, मम्मी को अकेले छोड़ते हुए दर्द नहीं होता था। अब मेरी मम्मी बिल्कुल अकेली रह जाती हैं। जैसे भाभी होती हैं घर पे तो ठीक रहता है, लेकिन अगर भाभी नहीं होती तो मम्मी बिल्कुल अकेली रह जाती हैं, तो बहुत लगता है। वैसे हमारा पूरा परिवार है, चाची वगैरह, लेकिन घर में अकेले रहना, बस मैं थोड़ी उदास सी भी लग रही हूँ। बहुत टाइम बाद आई थी मैं मम्मी के पास और बस मम्मी को ना आदत है, जब हम लोग जाते हैं तो टीका करती हैं वो। और मुझे याद आ रही है इस टाइम पे अपने पापा की बहुत ज़्यादा, जब मैं जाती थी, है ना। तो बेटियों की किस्मत कुछ अजीब ही बनाई है ऊपर वालों ने, ऊपर वाले ने, कि बेटियाँ पराई होती हैं, पता नहीं क्यों होती हैं। और प्यार भी बहुत करती हैं अपने मम्मी पापा को बेटियाँ, कोई भी बेटी हो, है ना। और हम बेटियाँ ही बहुएँ होती हैं, हम अपने ससुराल को भी प्यार करती हैं, लेकिन बेटी का रिश्ता कुछ ऐसा होता है ना। तो बस मम्मी सबका टीका कर रही हैं, खुशी का भी टीका कर रही हैं, श्रीजा का, मम्मी सबका टीका करती हैं। और खुशी का डबल प्यार मिलता है हमेशा खुशी को मम्मी दीदी की तरह टीका करती हैं। जो भी लेना देना, जो भी करना होता था ना, दीदी के साथ करती थी, मम्मी खुशी को देती हैं अभी। और कपड़े वगैरह नहीं, मैंने मना किया था, मम्मी कपड़े वपड़ों के चक्कर में मत पड़ना। जब भी लड़कियां आती हैं ना, मम्मियों को या मायके वालों को यही रहता है, ढेर सारे कपड़े दे देते हैं। तो मैंने मना किया था, नहीं ऐसे करोगी तो मैं आऊँगी नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत बीमार पड़ती हैं, सब कुछ उनको अकेले देखना पड़ता है, क्योंकि पापा भी नहीं रहे तो। लेकिन पैसे देने से तो बाज नहीं आती हैं, थोड़ा शुभ भी मनाते हैं, तो मैंने मना नहीं किया। और बस टीका कर रही हैं मम्मी, अब हम निकलेंगे मॉर्निंग में। और आज हमें कहीं जाना है, तो आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा दोस्तों कि कहाँ जाना है। बस हमने पैर छुए नानी के और उसके बाद बस हम लोग बाहर खड़े हुए थे और मैं देख रही थी इधर उधर का एरिया, पता नहीं कब आना होगा। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, अब जल्दी जल्दी आया करूँगी अपनी मम्मी से मिलने, क्योंकि बहुत दुख होता है नहीं आ पाते तो मम्मी जी का बहुत दिल टूटता है दोस्तों। चलो मम्मी ठीक है, तो बस मेरी मम्मी उदास सी पीछे पीछे चलती आ रही है, बहुत दुख होता है दोस्तों। और पापा भी खड़े होते थे उनके साथ में, तो कितना अच्छा लगता था। फिर भी 6:30 बज गए निकलते निकलते, और कभी भी घर छोड़ के आते हैं ना, मम्मी को देख के बहुत मन भारी हो जाता है, और मुझे लगता है हर लड़की का हो जाता होगा, है ना। और पता दूसरा इसलिए भी लगता है क्योंकि मम्मी अब अकेली रह गई, तो थोड़ा सा और लगता है। पहले हम सब लोग रहते थे, पापा थे तो इतना पता नहीं चलता था किसी भी चीज का, लेकिन अब लगता है कि मम्मी कैसे रहती हैं अकेली। तो चलो चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, जहाँ भी जा रहे हैं आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे दोस्तों। और कोशिश तो यही थी कि 6:00 निकले, लेकिन 30 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए, और थोड़े थोड़े धूप भी निकल गई है बाहर, सूरज निकल गया। चलिए चलते हैं। अरे कोर्ट द्वार को जाएगा तेरे बाद। और खुशी ने और सक्षम ने आज येलो येलो पहना है, और मम्मी और मैंने ग्रीन ग्रीन, और खुशी ने आज कुर्ती पहनी है थोड़ा थोड़ा खुशी और ट्राई, मेरा भी ग्रीन है, ट्राई करती है खुशी है थोड़ा सा। सक्षम आपने याद नहीं दिलवाया दीदी को? सक्षम तो बुलाया हमने, चलो
इतने भी दुखी मत हो। जब तो बर्थडे गिफ्ट में कोई सैंडल देते रखी बुद्ध से की। बहुत सुंदर है सारी, कितनी ब्यूटीफुल आइडल्स हैं यहाँ पे। मोटा भी अच्छा लग रहा है गिटार को, खेरा पंजाबी ढाबा। तो बस हमने कोट द्वार में एंट्री कर ली है, कोट द्वार आए हैं हम, और बहुत अच्छा एरिया है, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों को देख के बहुत अच्छा लगता है। श्रीजा चाचा हमेशा बोलते रहते पापा पहाड़ों पे लेके चलो, माउंटेन्स पे लेके चलो, तो पहाड़ दिखने लग गए, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। सक्षम श्रीजा को बहुत रहता है पहाड़ों में आने का, पहाड़ों में आना पसंद है, माउंटेन्स आ गए और घड़ी में बजे हैं 8, हम पहुंच गए हैं कोट द्वार, मंदिर आने वाला है अभी। और मैं आई हूँ कोट द्वार सिद्धवली मंदिर, और हनुमान जी का बर्थडे भी था, हनुमान जयंती थी ना, उससे अगले दिन आए थे हम, जयंती वाले दिन तो हम नहीं आ पाए थे दोस्तों, और जयंती से अगले दिन आया तो काफ़ी रौनक लगी हुई थी यहाँ पे। जब मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार थे तब हम लोग यहाँ पे आए थे, और हमने चुन्नी बांधी थी, बहुत सारे लोग चुन्नी बांधते हैं, और फिर उसके बाद में चुन्नी खोलने आना पड़ता है। दर्शन करने जाएंगे, बहुत अच्छे टाइम पहुँच गए, 8 बज रहे हैं इस टाइम पे। फाइनली पहुंच गए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे, और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, देख के बड़ा मजा आ रहा है, पहाड़ी एरिया बहुत अच्छा लगता है। और अभी हनुमान जी का बर्थडे भी है, बालक जी का है ना, तो हैप्पी बर्थडे करेंगे हम तो, है ना। तो चलो चलते हैं मंदिर, और आज नॉर्मल डे इसलिए थोड़ा सा प्रसाद वाले पास ही। इस तरह से जो पैकेट बना रखे हैं वो भी भगवान जी के कलर के बना रखे हैं, हनुमान जी के रंग के, और अच्छा लग रहा है। प्रसाद ले रहे हैं यहाँ पे, तो बस हमने प्रसाद ले लिया और चलते हैं मंदिर। तो मंदिर सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, कुछ बहुत ज्यादा भी नहीं है वैसे तो, आराम से चढ़ जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने बीच में एक ब्रेक लिया था, सांस फूल गई थी दोनों की। अभी बॉडी में वीकनेस रहती है, अभी सर्जरी को 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन आपकी बॉडी पहले जैसी तो नहीं रहती ना, है ना, कुछ वीकनेसेस तो हो जाती हैं, लेकिन भगवान जी हिम्मत देते हैं सब कुछ करने की, वो बहुत बड़ी बात है ना। शक्ति पता है मन से आती है, शारीरिक शक्ति तो होती है। देखो कितने माउंटेन है, कितने अच्छे लग रहे हैं, मेरे को पास से दिख रहे हैं सारे माउंटेन, और मंदिर बस आ गया ऊपर दिख रहे हैं ना सर, अभी बस हम यहाँ पे चढ़ाई करके जाएंगे ऊपर, बच्चे पीछे हैं। और सुबह सुबह भीड़ नहीं है इतनी ज्यादा, तो धूप हो रही है, चलो ऊपर चलो चलें, चलो चलते हैं। तो 2-4 मिनट का ब्रेक लिया और फिर चल पड़े, तो चलिए चलते हैं, दर्शन करने की आस लगी हुई है बस,
और यहाँ पे प्रसाद मिलता है तो उसको फोड़ लेते हैं। यहाँ पे गुड़ की बेली और नारियल चढ़ता है, वही देते हैं प्रसाद में। सब लोग अपना प्रसाद का नारियल फोड़ रहे हैं, गुड़ की बेली को फोड़ रहे हैं चढ़ाने के लिए। हस्बैंड भी नारियल को फोड़ेंगे यहाँ पे। और नारियल ना आदमी तोड़ते हैं, अधिकतर जेंट्स ही तोड़ते हैं, हमारे यहाँ तो जेंट्स ही तोड़ते हैं नारियल। और पता नहीं, मेरी जेठानी है जो बड़ी वाली, उन्होंने बताया था कि नारियल जेंट्स को फोड़ना चाहिए। आपके यहाँ भी ऐसा है क्या? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मेरे को नहीं पता था पहले ये। तो बस प्रसाद का नारियल तोड़ लिया और गुड़ की बेली को भी तोड़ लिया, तो बस जल्दी जल्दी चढ़े जा रहे हैं हम सीढ़ियाँ। और पता है सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उतरने में तो भागे चले आते हैं नीचे को, है ना। हमने नोटिस किया था ये, बस परेशानी कुछ नहीं होती, आराम से पहुँच गए थे हम। तो आ गया मंदिर, चलो दर्शन कर लेते हैं हनुमान जी के। आप लोग भी कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिएगा दोस्तों, मन्नत मांग लेना आप भी अपनी अपनी। भगवान जी सबके घर की खुशियाँ बनाए रखें। और जब मैं पिछली बार आई थी, मेरे मन में बहुत 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 दुविधा थी, मैं बहुत परेशान थी, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे। और हमने यहाँ मन्नत की चुन्नी बांधी थी और इस बार हम उस चुन्नी को खोलने आए हैं। तो बस लख लख धन्यवाद, कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ कि जीवन में जो भी हमने गलतियाँ की हों, उन सबको माफ़ करें प्रभु और हमें जीवन के आगे रास्ते दिखाएं। आज इस धाम पे हम आए गए, बहुत दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे आने की, भगवान ने तो बोला ही, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। इधर लोग अपनी मेहनत की चुनिया बांधते हैं, जिनकी हो जाती है पूरी वाके खोलते हैं दोस्तों। कितने लोग लगे हुए हैं यहाँ पे। चढ़ाने के बाद में चुन्नी वगैरह खोलने के बाद, चुन्नी जो खोलते हैं ना तो वो पंडित जी को ही दे देते हैं, जो चुन्नी बंदी हुई होती है यहाँ पे खोल के पंडित जी के हाथ में दे देते हैं, वो उसका जो भी करना होता होगा वो कर लेते होंगे। मैंने उनसे पूछा था कि क्या करते हैं, उन्होंने ऐसे ही बताया था। तो बस उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे हैं, इतनी दूर से आए हैं तो थोड़े दर्शन आराम से करेंगे, आँखों में उनकी छवि को भर लेंगे, थोड़ी देर बैठे रहेंगे यहाँ। तो बस देखो कितनी लंबी लाइन लग गई, हम बहुत अच्छे टाइम पे आ गए थे, 8:45 हम यहाँ पहुँच गए थे, 8 बजे पहुँच गए थे दोस्तों। तो 8 बजे सुबह का जल्दी का टाइम, जल्दी जल्दी दर्शन करें आराम से। और जब हम आए थे बिल्कुल भीड़ नहीं थी, और हमारे आने के आधे घंटे बाद में देखो कितनी भीड़ हो गई है। और बहुत आराम से हमने दर्शन किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, मन बहुत शांत हुआ यहाँ पे आके। और देखो लोकेशन कितनी अच्छी है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है सक्षम को, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा कर लेते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है।
और इधर से पीछे की साइड में से रास्ता जाता है नीचे जाने के लिए, वहाँ पे शिव जी का मंदिर है, शनिदेव का मंदिर है, और वहीं पे वो चलता है प्रसाद लंगर वगैरह जो चलता रहता है ना, वहीं पे रहता है। तो बस नीचे की साइड में चल दिए आप, चलिए आपको भी ले चलते हैं शिव मंदिर और शनि मंदिर दर्शन करने के लिए। चलो जज करेंगे पहले। भंडारा चलता है यहाँ पे, भंडारा खा रहे हैं बच्चे, प्रसाद खा रहे हैं, खाएगा पूरी है। हाँ चचम तो बस दर्शन कर लिए, प्रसाद भी खा लिया, अब हम लोग वापसी की तरफ चल रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें बहुत प्यारे स्वीट कोई मिले मैं आपको मिलवाऊंगी, ठीक है, मेरी सिस्टर मिली नहीं तो मैं आपको मिलवाऊंगी दोस्तों। और बस हम चल रहे हैं घर के लिए, निकलेंगे अब। और बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को पता है मैंने अपने ब्लॉग्स में भी कई बार बोला है कि मेरे को जाना है, लेकिन मैं आ नहीं पा रही थी, पता है बहुत टल रहा था ये, लेकिन फाइनली मैं आ गई, दर्शन हुए मेरे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और कैसी चल रही है मेरी नहीं आस पास आगे से आयो? अच्छा अभी आप लोग कहाँ के लिए निकलो? अभी घर जाना है, वापस कहाँ जाना है, घूमने जाना है? चलो एंजॉय करो। और ये हमारे यहाँ न्यू पेयर है अभी मैरिज हुई है इन लोगों की, ये मेरी सिस्टर है मामा जी की बेटी, और ये है इनके हस्बैंड जी, और मुझे तो आपका नाम ही नहीं पता अभी तक, ये अमित जी हैं। तो अमित जी से मिलकर बहुत बढ़िया लगा, और अचानक से ऐसे फैमिली से कुछ मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, है ना? नाइस टू मीट यू ऑल। तो मंदिर से आते हुए मामा जी की बेटी मिली, बहुत अच्छा लगा, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे नेचर के थे, बहुत बढ़िया लगा। और बस निकल दिए हम, बैठ कर रही थी मॉर्निंग में बना के, अपनी लौकी खा रहे हैं, उन्होंने तो वहाँ पे भंडारा खा लिया था, ये अपना खाना खा रहे, थोड़ा सा प्रसाद चख लिया था। बच्चों भूख तो नहीं लगी अभी? अभी नहीं लगी। रास्ते में लोहे की चीजें लिए हुए लोग बैठे रहते हैं ना, हस्बैंड ने कहा चलो दो चाकू लेता हूँ, जो लकड़ी के बिट्टे वाले और लोहे के चाकू होते हैं ना, आरी टाइप के, वो बड़े अच्छे होते हैं। मैंने कहा देख लो जी, कह रहे तरबूज वगैरह कट करने के काम में आएंगे और पाइनएप्पल वगैरह, तो उन्होंने लिए दो चाकू। उसके बाद में बच्चों ने गन्ने का रस पिया, तो गर्मी में ठंडा ठंडा गन्ने का रस बच्चों को अच्छा लगा, वैसे कहाँ पीना होता है ना। और आज हमने बहुत इंजॉय किया, पुरानी बहुत सारी चीजें याद आई है ना, बस निकल दिए अपने घर के लिए। और उसके बाद हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे हम पहले बहुत आया करते थे। खुशी भी कह रही थी मौसी चलें, मैंने कहा हाँ चलो, तो खुशी की मम्मा यानी कि मेरी दीदी के साथ में हम आते थे, हम शॉपिंग करने आते थे मीरापुर, क्योंकि रामराज बहुत छोटी जगह है ना, छोटी मोटी बच्चों की चीज़ें लेने के लिए आते थे यहाँ, तो ये बहुत पुरानी शॉप है रस्तोगी चाट भंडार, हम यहाँ ज़रूर आते थे। तो आज सारी चीज़ें वहीं हैं, बस दीदी नहीं है, बहुत मिस किया उसको। खुशी और मैं बस बैठे रहे, सोचते रहे, जिंदगी ऐसी ही है, बहुत अजीब होती है जिंदगी। और कभी हंसते हुए जिस टिक्की को हम इतना एंजॉय करते थे, टिक्की का टेस्ट भी वही है, लेकिन वो मज़ा नहीं है, शायद वो जिंदगी का मज़ा अब कभी लौट के नहीं आएगा। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते।